फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा लिवरपूल वर्सेस लीसेस्टर सिटी का 53 मिनट बाद। तो मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज अब लाइनअप्स तो आ ही चुकी है, तो मैंने सोचा लाइनअप्स के बाद ही वीडियो बना दूँ। लेकिन अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ और मैं अपनी फाइनल टीम कहाँ पोस्ट करता हूँ ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी फाइनल टीम आएगी भाइयों 5 से 6 मिनट पहले इस चैनल पर, मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एबीरॉक्स Dream11 टीम्स। ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आगे। ये आप देख पा रहे होंगे भाइयों प्रीवियस मैचेस के कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो कि प्रीवियस मैच में अच्छी विनिंग्स हुई हैं। तो अब अगर आपको आगे भी विनिंग करते रहनी है इसी तरह तो चलते हैं भाइयों आगे। तो बात करूं अगर मैं इस मैच की, लिवरपूल भी टॉप है, लीसेस्टर सिटी भी, दोनों टीम्स की मतलब रैंकिंग देखी जाए टॉप 5 में आ रही है दोनों टीम्स। एक मतलब मैं क्या बोलूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई, लीसेस्टर सिटी की तो बात ही अलग है, इसको हराना मतलब थोड़ा मुश्किल है। और लिवर और आज क्या प्रॉब्लम आई है, लिवरपूल का एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं खेल रहा, उस कारण लिवरपूल के हारने के चांस हो गए हैं इस मैच में। बात करूँ गोलकीपर की तो यहाँ से लूँगा टॉप का प्लेयर जिसका नाम है कैस्पर। जैसे कि आप प्लेयर देख रहे हैं जब भी ओपोनेंट टीम जितनी भी स्ट्रांग होती है उतना ज़्यादा ये चलता है। जैसे आप देख लो ये जो मैच हुआ था एर्सनल के साथ इनका, उस दिन इस प्लेयर ने 60 पॉइंट दिए थे जो कि हाँ ठीक है। तो बात करूँ डिफेंडर की तो यहाँ से लूँगा ए रॉबर्टसन को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि लिवरपूल का ये प्लेयर कुछ खास कर सकता है। ये मैनचेस्टर सिटी से भी हारे थे आप देख सकते हैं, मतलब इसने कुछ भी नहीं किया था ना कोई क्लीन शीट, पर इन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को भी हरा रखा है जैसे कि एर्सनल हो गई या फिर हो गई EVE और बड़ी बड़ी टीम्स जितनी भी हैं। बाकी लीड्स के सामने तो ये भी थक गए थे भाई वो लिवरपूल वाले। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा बात करूँ अगले प्लेयर की जिसका नाम है जेम्स जस्टिन फॉर्म में नहीं दिख रहा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यार जो भी बड़ी बड़ी टीम है ना अपने में बहुत ज़्यादा टॉप है, टॉप 5 टीम में से दोनों का मैच होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये ऐसा मैच है जैसे कि दो टीम फाइनल में पहुँच गई हों टॉप की, तो ये वैसा ही मेरे लिए मैच है क्योंकि जेम्स जस्टिन भी टॉप का है। डब्ल्यू वफाना की बात करूँ ये प्लेयर आज कुछ खास कर सकता है। डब्ल्यू वफाना लगातार चलता आ रहा है, पिछले मैच में इन्होंने लीड्स के सामने, एर्सनल के सामने और बड़ी बड़ी जितनी भी टीम्स हैं उनके सामने खतरनाक मतलब इसने प्रदर्शन दिखाया। और आगे से बात करूं यहां से लूंगा एक और प्लेयर जिसका नाम है फेबिनो। मैं वेट कर रहा था ये प्लेयर कब खेले क्योंकि जब ये काफ़ी दिनों से नहीं खेल रहा था आज इसकी वापसी हुई है और इस कारण मैं इसको अपनी टीम में ले रहा हूँ। बात करूँ भाई मिडफील्डर की तो यहाँ सुनूंगा एस मेन को आपको पता ही है कि हर बार पूरा गेम में इसका मेन रोल होता है जो कि इसने मैनचेस्टर सिटी के सामने भी नॉर्मल खेला था। बाकी अगर देखा जाए तो ऑल ओवर भाई ठीक ही खेल रखा है जो कि बड़ी बड़ी टीम्स के आगे और अच्छा खेलता है, तो आज इसके चलने के चांस है क्योंकि ओपोनेंट टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अपना कुछ तो करना ही चाहिए। और आगे से बात करूँ पहले मैंने ये प्लेयर नहीं लिया था जेम्स को क्योंकि मेरे पास थोड़ा क्रेडिट इशू था, अब क्रेडिट इशू पूरा सॉल्व हो गया क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर ड्रॉप कर दिया इन्होंने, तो इस कारण मैं इसको ले रहा हूँ। आगे से बात करूँ यहाँ सुनूंगा एक और प्लेयर जिसका नाम है यूरी, आपको बता दूं भाइयों इसका नाम है यूरी जो कि टॉप का प्लेयर है जो कि प्रीवियस मैच में अगर देखा जाए तो फ्लॉप गया था, लेकिन जब इसका मैच था लीड्स के साथ LU तो लीड्स के सामने तो इस बंदे ने 2 गोल कर दिए थे, सोचा भी नहीं था। और आगे से बात करूँ यहाँ सुनूंगा एक और प्लेयर जिसका नाम है भाइयों आपको पूरा बताऊंगा, इसका नाम है जॉर्जिनो हर बार मेरी टीम में रहता है। पिछला जो मैच हुआ था उन्होंने स्टेटस काट दिया एक ना, हालांकि अभी प्रीवियस कुछ दिनों में मैच हुआ था 2 दिन पहले, इस टीम का नहीं था वो था किसी और लीग में था लेकिन ये प्लेयर था तो उसमें आई इस प्लेयर ने 1 गोल भी किया था और काफ़ी बढ़िया खेल के गया था, तो उस कारण जब भी ये लिवरपूल की तरफ से खेलता है ना उस मतलब ये चलता नहीं है, लेकिन आज क्या पता चल जाए क्योंकि मेरे को थोड़ी सी उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। बाकी आप चाहो तो सी जॉन्स को ट्राई कर सकते हो, आज इसकी भी वापसी हुई है सी जॉन्स की, ये भी चल सकता है, जॉन्स भी गोल वगैरह कर देता है। तो चलते हैं आगे। बात करूँ स्टेट फॉरवर्ड की तो यहाँ सुनूंगा जे वाडी जो कि टॉप का प्लेयर है, हर मैच में इसने चलना है। इस बंदे ने मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम के आगे 90 पॉइंट मारे थे गोल के जो कि टोटल 135 पॉइंट, जितनी स्ट्रॉन्ग टीम होगी उतना ही अच्छा खेलता है, इसका ये हिसाब है। अब इसने लीड्स के सामने आप देख सकते हो 1 गोल और 2 असिस्ट और आज भी ओपोनेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आज जिसके ऊपर पूरी गेम टिकती है पूरी की पूरी टीम जिसका मैं रॉबर्टो फिरमिनो, अगर ये चलता है तो इनके जीतने के चांस हैं, अगर ये कम से कम 1 गोल करता है तो कुछ हो पाएगा जो क्योंकि मेरे को तो इस पे उम्मीद थी अरे खेल ही नहीं रहा, तो फिरमिनो को पता नहीं क्यों जगह दी, या तो इसकी जगह इनको खिलवाना चाहिए था किसी आगे से बढ़िया प्लेयर को जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे लीसेस्टर सिटी का, तो देखते क्या होता है सॉरी लिवरपूल का। तो बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन ने कहा जे वाडी क्योंकि मेरे को पहली चांस है कि वो टीम जीतेगी, वाइस कैप्टन फिरमिनो को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बाई चांस गोल हुआ तो हमें फ़ायदा होगा। बाकी आप सेव VC है एस मेन। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय, आपका दिन शुभ।